ग्वालियर जिले में तेज बारिश के बीच आरोन पाटई में उफनते नाले में 11 साल के नाबालिग किशोर की डूबने से मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर घटना के 24 घंटे बाद 500 मीटर दूर स्टॉप डैम से नाबालिग का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। मृतक किशोर अपने दोस्तों के साथ उफनते नाले को देखने पहुंचा था, तभी पैर फिसलने से वह नाले में गिर गया था। कल ग्राम पाटई थाना आरोन में एक बच्चा मनीष पुत्र मनोज जाटव उम्र 11 साल थी। पानी में नाला चल रहा था तो उधर से निकलते समय वो स्लिप हो गया और वह पानी में चला गया। रात को कल 4 बजे से हम लोग को ढूंढा, एक्स्ट्रा टीम भी आ गई थी, टीम ने रात भर ढूंढा लेकिन सफलता नहीं मिली। आज सुबह फिर पुनः ढूंढा तो बालक आगे बने हुए कम से 500 मीटर दूर बना हुआ स्टॉप डैम में नीचे फंसा हुआ मिला, जिसका शव निकाल लिया है।